तो बदिंग स्टॉक्स में यानी कि ऐसे शेयर जिनमें खबरों का इम्पैक्ट है, न्यूज फ्लो है, या तो फिर कोई नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज नतीजों का भी अंत हो चुका है, जो तीसरी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं दिसंबर तिमाही के, वो भी खत्म हो चुके हैं। लेकिन पेटीएम में तो हर दिन खबरें चल रही हैं। पेटीएम पहला नाम है जो कि आज इस बजिंग की सूची में शामिल हुआ है, और उसमें खबरें कल ऐसी चल रही थी कि ईडी की ओर से जाँच की शुरुआत हो चुकी है। पहले इस कंपनी ने डिनाई किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब इस कंपनी ने माना है कि हाँ, ईडी की ओर से हमें कुछ सर्च के लिए जो रिक्वेस्ट है वो कहीं ना कहीं आती हुई दिखी है। फेमा नियमों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको लेकर ईडी की जांच की शुरुआत हो चुकी है, और कंपनी कह रही है कि ये रेगुलर प्रोसेस है। ईडी और उसके साथ साथ जो अन्य अथॉरिटीज़ हैं उनकी ओर से लगातार जो नोटिस है वो मिलते रहते हैं, रिक्वेस्ट आते रहते हैं, और उनको हम पूरी तरह सहयोग कर भी रहे हैं। ईडी ने जिस तरह की भी जाँच की मांग की है, जो भी दस्तावेज मांगे या जो भी जानकारी मांगी है, उसको पूरी तरह से दिया जा रहा है। लेकिन शेयर में जो सर्किट लगने का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। आप देखें, आज भी 5% का निचला सर्किट है, 2-10% के निचले सर्किट लगे थे, अब रिवाइज होकर 5% का सर्किट आ गया, 325.05 रुपये, ये नया रिकॉर्ड निचला सर है जो कि आज स्टॉक में देखने को मिला। और पिछले एक महीने में आप देखेंगे 55% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। सर, बहुत सारे लोग हैं जो कि ये जो गिरावट हुई है शेयर में उसको देख के थोड़ा सा ललचाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये सही में माउथ वाटरिंग लेवल्स हैं, पेटीएम में एंटर करना है या दूर ही रहना है? अगेन संदीप जी, वैसे तो लेवल्स काफी नीचे के हैं। 2100 का प्राइस देखते हैं तो 300 रुपए के प्राइस में आपको ऑलमोस्ट भी कह सकते हैं 1/7 के प्राइस के आसपास मिल रहा है। पर दिक्कत यही है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज मार्केट में जो चल रहा है, ईडी की जो बात चल रही है, जो ओवरऑल कंपनी के पेमेंट्स बैंक के रिलेटेड जो आरबीआई की तरफ से सख्ती देखने को मिली, उसी का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो क्लियर कट वही चीज होती है, जब भी कोई ऐसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर आप कह सकते हैं कोई भी एक बड़ी फंडामेंटली चीज चेंज होती है तो फंड की सेलिंग वहां पे जरूर देखने को मिलती है। तो वही चीज इसमें भी देखने को मिल रही है। अगेन एक डिफिकल्ट कॉल रहेगा कि यहाँ पे बाई करना है नहीं करना है, क्योंकि अगेन गैम्बल है कि आने वाले दिनों में इस कंपनी के क्या अनाउंसमेंट आते हैं, क्या ये चीजें सुधरती है या फिर कोई और तरीके से स्टॉक जाता है। पर 325 के आसपास आप कह सकते हैं, एक बार अपने आप कह सकते हैं काफी बड़ी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। नई खरीदारी की राय तो क्लियरली नहीं है क्योंकि अगेन न्यूज फ्लो काफी इंपैक्ट कर रहा है, पर मुझे लग रहा है 300-325 के आसपास जो है एक बार स्टॉक रुकना चाहिए। हो सकता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन स्टॉक में करंट लेवल से देखने को मिले। अगेन बाउंस आता है तो लकीली काफी लोगों को निकलने की इसमें राय रहेगी। अगर 450 भी आता है तो एक अच्छा बाउंस शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए हो सकता है। तो फ्रेश खरीदारी की राय तो नहीं है, पर ओवरऑल जो गिरावट के बाद लग रहा है, जितना जो चार्ट बता रहा है कि पावर काफी ओवरसोल्ड जोन में, तो 300 के आसपास मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक रुकना चाहिए। अगेन फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, पर यहाँ से 300 से जब भी बाउंस आता है तो निकल जाने की राय। फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, ये साफ है राय, लेकिन 300 के आसपास स्टॉक हो सकता है कि रुके, लेकिन आपको उसमें ललचाना नहीं है, इससे दूर ही रहना है। जिनके पास है, जो फंसे हुए हैं, कोई भी बाउंस बैक आता है, कोई भी ऊपर के लेवल आते हैं, तो उस लेवल पे आपको एग्जिट ही करना है, यानी कि जो पोजीशन आपके पास पड़ी है उसे बेच के निकलने की कोशिश इससे करनी चाहिए। क्या न्यूज़ फ्लो आते हैं, कितनी डिटेल्स है, कितना गहरा गड्ढा है, ये कोई भी नहीं जानता है। कितनी खबरें आएंगी और ख़राब, और कितना ये शेयर गिर सकता है, नोबडीज़ गेस। वेदांता ये अगला शेयर है जिसमें आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है, और आज इनफैक्ट शुरुआती अगर आप देखें कारोबार में एक बड़ी ब्लॉक डील वेदांता के शेयर में होती हुई दिखी है। करीब 8.25 करोड़ शेयरों की इसमें आज ब्लॉक डील हुई है। माना जा रहा है कि इसमें जीक्यूजी पार्टनर्स ने एंट्री की है। 2255 करोड़ रुपये का ये सौदा है, जिसमें करीब करीब 2.25% हिस्सेदारी जो है वो इस कंपनी की बेची गई है। ऐसा न्यूज़ फ्लो था कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है वीआरएल यानी कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, वो अपना कर्ज कम करने के लिए जीक्यूजी पार्टनर्स को अपनी जो हिस्सेदारी है वो बेच सकती है, क्योंकि वीआरएल के ऊपर कर्ज काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप दिसंबर तिमाही के अंत तक की बात करें तो जो पेरेंट कंपनी है वीआरएल, उनके ऊपर $7.5 अरब यानी कि इंडियन करेंसी में बात करें तो 64,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है, और उसको कम करने की मंशा से ही ये हिस्सेदारी बेची गई है, जो आज 2.25% की ब्लॉक डील होती हुई दिखी है। लेकिन शेयर में आज प्रेशर देखने को मिला है, 270 रुपये के आसपास के भाव हैं, 3-3.5% के आसपास की गिरावट है। सर, अब ये ब्लॉक डील हो चुकी है, क्योंकि हो सकता है नीचे के भाव पे हुई हो, उसका प्रेशर आज स्टॉक में देखने को मिल रहा है। जिनके पास है या फिर जो खरीदारी भी करना चाहते हैं, उनको क्या राय होगी? और नीतीश जी का सवाल भी हमारे पास है, जिन्होंने कहा था कि उनके पास 321 रुपये पे रखे हुए हैं, क्या करना चाहिए इसमें? संदीप जी, वैसे न्यूज काफी आप कह सकते हैं वैसे तो पॉजिटिव मानी जा रही थी। 285 के ऊपर निकलेगा तो बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। आज जो कैंडल बना है वो काफी बड़ा रेड कैंडल है और वॉल्यूम्स ब्लॉक डील का जरूर देखने को मिल रहा है। अगेन 285 निकलेगा तो ये हो सकता है स्टॉक आपको 300 तक भी जाता हुआ नजर आए, इसलिए जिनके पास है वो ट्रेंड के साथ रहे। अगर नीचे में स्टॉप लॉस जो है 259 का जरूर मेंटेन करें। अगर ये स्टॉक 259 जो कि लास्ट वीक या करंट वीक का लो है उसके नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है, तो 259 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें।
ऊपर में 285 निकलेगा तो 300 तक की जर्नी स्टॉक छू सकता है। एक डिस्क्लेमर और एक है, ये स्टॉक वैसे हम रिकमेंड नहीं करते ट्रेडिंग के लिए क्योंकि काफी न्यूज फ्लो में है, पर चूंकि इनका क्वेश्चन है तो लेवल जरूर बताऊंगा। 259 का स्टॉप लॉस लगाए और 285 के निकले ऊपर निकलेगा तो बड़ा ट्रेंड अगेन सेकेंड देखने को मिल सकता है। पर सर इनका भाव तो 321 रुपये का है। जी संदीप जी वही कह रहा हूँ, 285 के ऊपर निकलेगा तो इनके भाव देखने को मिल सकते हैं। 285 अच्छा जो है लास्ट 2 या 3 वीक की हाईज है, तो अगर वो लेवल निकाल देता है जो आज के हाई का भी लेवल है तो स्विफ्टली इनका जो प्राइस है इनके बाइंग प्राइस प्राइस के आसपास जा सकता है, तो उस चीज के आज जरूर ध्यान रखें। अगर नीचे का लेवल भी जरूर ध्यान रखें, 259 के नीचे जाएगा तो ट्रेंड आपको न्यूट्रल से बेरिश होता हुआ नजर। ठीक है, तो राय साफ है कि 259 आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है इस शेयर में, और ऊपर में जैसे ही ये 285 का लेवल पार करेगा फिर 300, और उसके बाद नीतीश जी जो आपका सवाल था 321 रुपये पे आपने खरीदे हैं वो लेवल भी आ सकते हैं, ऐसी आप उम्मीद लगा के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए और इसको आप होल्ड कीजिए। अगला शेयर है ऑयल इंडिया का, ज़बरदस्त एक्शन है स्टॉक में आज, और कल इसके तिमाही नतीजे आए थे। दिसंबर तिमाही में अगर आप देखें तो इनके जो रेवेन्यू है वो 3% ही बढ़ा है, 10,912 करोड़ रुपये का नंबर इन्होंने रेवेन्यू के फ्रंट पर पोस्ट किया है। मुनाफा भी 3% ही रहा है, यानी कि नंबर्स काफ़ी फ्लैट रहे हैं, एकदम सपाट रहे हैं, कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। 2,608 करोड़ रुपये का मुनाफे का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रिगर की बात है वो है CLSA की रिपोर्ट। उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन करी है और जो लक्ष्य है पहले 435 रुपये का था उसे बढ़ाकर कर दिया है 575 रुपये का। हालांकि आज 575 रुपये का हाई इसने छुआ है, 575 रुपये 40 पैसे का, लेकिन 13% का अपमूव है और फिलहाल ये 563 रुपये के आसपास 13% की तेजी लेके कामकाज कर रहा है। क्या राय होगी सर ऑयल इंडिया के शेयर में? कोई क्रूड के प्राइजेस में कोई बहुत अच्छा उछाल नहीं देखने को मिला और ना ही इनके नंबर्स इतने तोड़फोड़ थे, केवल CLSA की रिपोर्ट का ट्रिगर है जिस वजह से शेयर चल रहा है। संदीप जी डेफिनेटली CLSA या कोई भी जड़ा जब भी बड़ा ब्रोकर कोई रिपोर्ट निकलता है तो उसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलता है, और यूजुअली जब भी रिजल्ट के बाद रिपोर्ट आती है तो वो उस हिसाब से बाइंग भी देखने को मिलती है। स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है पर एक बड़ा उछाल ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो 600 के आसपास तक के टारगेट्स बैठते हैं, तो 600 के आसपास जो कि 40 रुपये और दूर है तो उसके लिए डेफिनेटली जो इनके पास भी है होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, 13% ऊपर है, और पिछले 3 दिन की बात करें तो 460 से 560 के आसपास तक के ऑलरेडी लेवल्स देखने को मिल चुके हैं, तो फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है। जिनके पास है 590 से 600 तक के टारगेट के होल्ड करके चल सकते हैं। 590 से 600 रुपये तक के टारगेट के लिए होल्ड करें, जिनके पास भी है उनके लिए ये टारगेट प्राइस निकल के सामने आ रहे हैं। मुथूत फाइनेंस ये अगला शेयर है जिसमें आज गिरावट देखने को मिल रही है और ये भी नतीजों के बाद ही देखने को मिल रही है। इनकी जो NII यानी कि जो ब्याज से आय होती है, शुद्ध ब्याज आय है, उसमें करीब 12.5% की बढ़त आई है, 1,905 करोड़ रुपये का नंबर पोस्ट किया है। मुनाफा 14% बढ़ा है, 1,027 करोड़ रुपये का नंबर इन्होंने पोस्ट किया है। ग्रॉस NPA घटे हैं, 4.01% से घटकर 3.62%, नेट NPA में भी कमी देखने को मिली है, 3.59% थे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटकर 3.25% के भी अब नीचे चले गए। लेकिन शेयर में दिख रही है आज गिरावट, 3.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। नंबर्स में कुछ ऐसा है नहीं सर कि शेयर में इतनी जो गिरावट है वो आज देखने को मिले, कोई ऐसा ट्रिगर जो आपको नजर आया हो नंबर्स में जिस वजह से बाजार नाखुश है, निराश है? संदीप जी एग्जैक्टली ज्यादा डिटेल पढ़ा नहीं है, पर इन्होंने गाइडेंस कुछ कम की थी अपने कॉन कॉल में या फिर जो रिजल्ट्स के बाद आज सुबह मैं कहीं और न्यूज पढ़ रहा था, एग्जैक्टली कंफर्म नहीं करूंगा, पर वो न्यूज कहीं तो मैं पढ़ रहा था कि कुछ गाइडेंस में इन्होंने कटौती की है, उसी के बाद एक गैप अप के बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो उसी का रुझान है कि आज स्टॉक आपको काफी नीचे के लेवल्स दिखा रहे हैं और मेजर सपोर्ट 1,350 1,360 वो भी लेवल तोड़ चुका है, तो ओवरऑल स्टॉक में वीकनेस है और मुझे लग रहा है अगर आज का लो टूटता है तो 1,280 तक के टारगेट नीचे में देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जैक्टली न्यूज तो नहीं पता पर गाइडेंस में कुछ कटौती की थी, उसी के बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 1,280 तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये 2.3% नीचे है और 1,340 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक शेयर जो कि आज मजबूत है वो है जोमैटो का। जोमैटो में अगर आप देखेंगे तो फिलहाल करीब 3% के आसपास का अपमूव देखने को मिल रहा है। CLSA ने शेयर के ऊपर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है उसे बढ़ाया गया है, 181 रुपये का पहले लक्ष्य था उसे बढ़ाकर 227 रुपये कर दिया गया है। किसी भी ब्रोकर की ओर से मंत्री सर पहली बार ऐसा हुआ है कि 200 रुपये के ऊपर के जो टारगेट्स हैं वो फिलहाल जोमेटो के शेयर के लिए दिए गए हैं। आज इस शेयर ने 159 रुपये 20 पैसे की जो रिकॉर्ड ऊंचाई है, जो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है उसको भी छुआ है, 4.5% तक उछल गया था, अभी भी 3% के आसपास का अपमूव है, 157 रुपये। लग जाएगी सर डबल सेंचुरी? संदीप जी अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक हमारा बहुत बड़ा मिस रहा है क्योंकि हमने स्टॉक को कभी बाई या सेलर की रिकमेंडेशन नहीं दी है, नो डाउट व्यू देते रहते हैं टेक्निकली क्या कैसा स्टॉक चल रहा है, पर अगेन सेम मैं व्यू ही दूंगा, कोई बाइंग सेलिंग की राय स्टॉक पे नहीं है क्योंकि वोलेटिलिटी में कभी भी ऐसे स्टॉक्स में बड़े
ऊपर या नीचे के मूव्स देखने को मिलते हैं। नो डाउट स्टॉक ने अच्छा वेल्थ बना के दिया है, पर एक क्लियरली मिस रहा है। तो अगेन मैं लेवल्स रिपीट करता हूँ, 140 145 के आसपास स्टॉक सपोर्ट है, बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो वो जब तक होल्ड कर रहा है ट्रेंड पॉजिटिव है, और ऊपर में 178 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगेन संदीप जी से डिस्क्लेमर है, कोई बाइंग सेलिंग की राय नहीं है, पर जिनके पास है वो लेवल जरूर ध्यान रख के चल सकते हैं। 145 नीचे में सपोर्ट है और 178 का ऊपर में टारगेट। चलिए ठीक है, कोई फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन 178 ऊपर में और नीचे में 140 145 ये रेंज है, जिनके पास भी है उस रेंज को आप ज़रूर ध्यान में रख के चल सकते हैं। नारायण हुद्रालय ये एक और शेयर है जिसके नतीजे आए हैं, जिसे हम NH के नाम से भी जानते हैं, ये मोस्टली ट्रेड इस नाम से ही होता है। इनका जो कामकाजी मुनाफा है तीसरी तिमाही में 10% बढ़ा है, 279 करोड़ रुपये का नंबर इन्होंने पोस्ट किया है। कामकाजी मार्जिन इनके बढ़ते हुए दिखे हैं, हालांकि मार्जिनल इंक्रीज़ है, 22.5% वाले 23% के आसपास आ गए हैं। मुनाफे में जो कि 154 करोड़ रुपये पे था वो बढ़कर 188 करोड़ आ गया, यानी कि 22% की साल दर साल मुनाफे में भी बढ़त देखने को मिली है, जहाँ तक नारायण हुद्रालय की बात है। शेयर में आज हम देख रहे हैं 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। सर, ऐसा कुछ जो आपको नारायण हुद्रालय में भी नज़र आया हो मुथूट फाइनेंस की तरह, क्योंकि नंबर्स में ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा है कि शेयर में गिरावट देखने को मिले। संदीप जी ऐसी कोई न्यूज तो नहीं है, पर यूजुअली जो स्टॉक्स मिड कैप के होते हैं कभी रिजल्ट्स के पहले थोड़ा चल चुका होता है, और यही सेम स्टॉक एनएच के साथ भी हुआ है। रिजल्ट्स के पहले ये स्टॉक कल भी काफी बड़ा उछाल दे रहा था, और यूजुअली ट्रेंड भी काफी पॉजिटिव है, अभी भी ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है। नो डाउट स्टॉक में 4% की गिरावट है, पर स्टिल अभी भी जब तक ये 1300 के ऊपर है शॉर्ट टर्म ट्रेंड काफी मजबूत है, तो स्टॉक को होल्ड करें। स्टॉक को बेचने की राय तो करंट लेवल पर नहीं है, जिनके पास भी इन्वेस्टमेंट के लिए है या ट्रेडिंग के लिए है, अगर कोई ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 1300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। धीरे धीरे मुझे लग रहा है स्टॉक वापस 1400 के पार निकलता हुआ नजर। 1300 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के जिनके पास भी है वो होल्ड कर सकते हैं। 1400 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो नारायण हुद्रालय के शेयर में देखने को मिल सकते हैं। नंबर्स अच्छे हैं, नो डाउट नंबर से पहले रन अप हो गया था, तो आज हो सकता है कि बाय ऑन रूबर सेल ऑन न्यूज़ या तो फिर अच्छे नंबर्स की एंटीसिपेशन में पहले खरीदारी हो चुकी है। अब नंबर अच्छे आए हैं तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इस शेयर में होती हुई दिख रही है। कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, 1400 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में ऊपर की ओर देखने को मिल सकते हैं। एक और शेयर जिसमें नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिला और ज़बरदस्त मूव है, वो है HPL इलेक्ट्रिक का। इसके अगर आप तीसरी तिमाही के नतीजे देखेंगे तो मुनाफे में शानदार बढ़त है, करीब 88% इनका मुनाफा बढ़कर 12 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखा है। इनकी जो आय है, जो बिक्री है, उसमें भी करीब 21% की बढ़त है, 366 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने पोस्ट किया है। और कामकाजी मुनाफा आप देखिए 35% बढ़ा है, करीब 50 करोड़ रुपये के आसपास के नंबर इन्होंने पोस्ट किए हैं तीसरी तिमाही में। इनके मार्जिन में भी आप देखेंगे अच्छी खासी बढ़त हुई है, करीब 1.5% इनका मार्जिन बढ़ा है, 13.5% के पार इनके जो कामकाजी मार्जिन है वो पहुंचे हैं, और शेयर में लग गया आज 10% का ऊपरी सर्किट। क्या करना है सर, ऊपरी सर्किट लग गया, अब इसमें खरीदारी करनी है क्योंकि अभी भी पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, इसी वजह से इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है। जिनके पास नहीं है और जिनके पास है भी, दोनों के लिए राय दीजिए। संदीप जी स्टॉक का ट्रेंड अच्छा रहा है, ओवरऑल रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हैं, तो नो डाउट स्टॉक में वही चीज आपको देखने को मिल रही है, तो स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है। एक्सटेंशन अगर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं नए हाईस के आसपास है स्टॉक, कुछ 1 या 2 रुपए दूर है। एक्सटेंशन ड्रॉ करते हैं तो 372 तक के टारगेट देखने को मिल रहा है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लेना चाहे तो जरूर ले सकते हैं। जब भी ये सर्किट अगर इसी के आसपास खुलता है तो ज्यादा बेटर रहेगा, जब तक ये सर्किट नहीं खुलता इसमें कोई बाइंग की तो वैसे नहीं कर पाएंगे, अंटिल अनलेस आप प्री और प्री मार्केट ऑर्डर डालते हैं या कुछ दूसरे ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं, पर स्टॉक काफी मजबूत है। 372 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में आने चाहिए, और जो जिनके पास है वो 370 72 के टारगेट्स के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय है फिलहाल जहाँ तक HPL इलेक्ट्रिक की बात है। आज इसमें 10% का ऊपरी सर्किट है, ऊपर में और भी ऊंचे टारगेट जो है वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो बात हुई बजिंग स्टॉक्स की।